के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। एक बार अपने जीवन में धन का रंग, धर्म का रंग चढ़ा लो, जीवन का अंतरंग बदल जाएगा। आप चाहते हो कि हमारे जीवन का अंतरंग बदले? बोलो जी। आप लोग चाहते हो कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए? तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपके जीवन के कितने वर्ष निकल गए धर्म करते करते? बोलो, 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष, 55 वर्ष, 53 वर्ष, है? 0 से लेकर के आज तक के जितने तुम्हारे वर्ष निकले हैं, इन दिनों में तुमने इतने धर्म ध्यान किया है। 10 लक्षण पर्व हर वर्ष मनाते हैं, कोई ना कोई सानिध्य मिलता है, कोई ना कोई पंडित मिलता है, कोई ना कोई संगीतकार मिलता है, पर हमने उन सब को सुनकर के जीवन में कितना परिवर्तन लाया? परिवर्तन आया है महाराज श्री, आपको पता नहीं? जन्म हुआ था, युवा हुआ, प्रौढ़ हुआ, फिर आगे बढ़े तो 50 को पार किया, फिर और आगे बढ़े तो 60 को पार किया, अब वृद्ध अवस्था की तरफ हो गए। ये परिवर्तन नहीं दिखता है आपको? क्या हो गया आज तुम्हारे लिए? ये बाहर का परिवर्तन जीवन के अंतरंग को परिवर्तन नहीं कर सकता है। कसाय हमारे लिए हमारे जीवन को नष्ट करती है, कसाय हमारे जीवन को छार छार कर देती है। संत कहते, यदि किसी से तुम्हारी बुराई हो गई हो, बुराई बैर और बैर गांठ ना बने। किसी से तुम्हारे जीवन में सुबह से शाम तक यदि किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया हो, दुर्व्यवहार कर दिया हो, तो उसी समय तत्क्षण जाकर के क्षमा याचना कर लो। सामने वाला करे ना करे, पर हम अपने जीवन में किसी प्रकार की गांठ नहीं बांधूंगा, किसी प्रकार का बैर नहीं रखूंगा। मुझे अपना कल्याण करना है, दूसरों का जो हो वो जाने, पर मुझे अपना दर्पण साफ रखना है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? 10 लक्षण पर्व तो हर वर्ष मनाते, आज क्षमा है, कल मारदा है, कल सोच है, सत्य संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य में डूब करके तुम अपने यही पल्ला झड़ा करके 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद वही तुम्हारा घोड़ा और वही तुम्हारा मैदान। क्या परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आया है और आएगा? संत कहते हैं, जीवन में यदि परिवर्तन लाना चाहते हो तो ये 10 धर्म तुम्हारे 10 दिन का ना रहे, जीवन का अंतरंग तत्व बन जाए। जीवन में अंतरंग में उतर जाएगा, 10 दक्षिणों में से एक धर्म ही तुमने यदि धारण कर लिया तो जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। 2 मित्र थे, एक दूसरे आपस में घनिष्ठ संबंध था। देखना व्यक्ति के जीवन में कैसा घटित होता है, जहां पर संशय होता है, शंका होता है, वहां पर सम्यक दर्शन नहीं टिक सकता है। और जो सम्यक दृष्टि होता है उसके जीवन में संशय भी नहीं होता है, शंका भी नहीं होता है, संदेह भी नहीं होता है, उसके जीवन में मात्र सम्यक दर्शन जैसी अभिव्यक्ति हो जाती है। 2 मित्र थे, दोनों घनिष्ठ मित्रता थी, एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ स्कूल जाना, एक साथ भोजन करना, एक साथ खेलना, सब कुछ साथ साथ चलता था। इन दोनों की मित्रता पूरे इलाके में फेमस थी। ये दोनों ऐसे मित्र जितने सगे भाई भी नहीं रहते हैं, इन दोनों की मित्रता है। यदि किसी के अंदर कोई ताकत तो इनकी मित्रता तोड़ने में, तो मैं जानू। एक लेडीज के मन में भाव जागा, किसके मन में? एक महिला के मन में भाव जागा, मैं इनकी मित्रता को एक पल में तोड़ सकता हूं। तोड़ के बताओ। एक दिन दोनों मित्र ग्राउंड में टहल रहे थे, घूम रहे थे, शाम का वक्त था। एक महिला घूमने के इरादे से उधर पहुंची और इशारे से दोनों में से एक व्यक्ति को बुलाया, एक भाई को बुलाया, इधर आइए। बड़े इशारे से अपने प्रलोभन देकर के बुलाया, वो एक व्यक्ति उसमें से चला गया, गया और दूर ले जा करके उसके कान में कुछ एक्शन किया, जैसे कुछ बोल रही हो,
एक से दो मिनट लगे, कुछ बोला नहीं, मित्रता को तोड़ना है, एक्शन किया और उसके लिए कुछ कहने जैसा इशारा करते हुए कहा, हाथ का एक्शन अलग और मुंह उसके कान की तरफ है और बोल कुछ नहीं रही है पर एक्शन पूरा कर रही है, और दो से तीन मिनट हुए उसको कह दिया जा तू। दूसरा जो मित्र था उसने बड़े उत्साह पूर्वक पूछा कि भाई वो बहन जी आपसे क्या कह रही थी, वो बहन जी आपसे क्या बोल रही थी। सामने वाला कहता भैया कुछ नहीं बोला, ऐसा हो नहीं सकता, मैंने देखा कि 5 मिनट हो गए हैं और आप बात करते रहे, एक्शन भी चलता रहा, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे सामने कान के पास मुख को लाई और कुछ बोला, मैंने यहां से देखा है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं बोला है। अरे भैया कुछ भी नहीं बोला, और बोला होता तो तुम बचपन के मित्रों में तुम्हें बताता नहीं। नहीं बोला तो कुछ ना कुछ है, आपको विश्वास नहीं मेरे ऊपर, आप बचपन के मित्र हो, मैं आपसे एक भी बात मैंने आज तक नहीं छिपाई, इस बात को मैं क्यों छिपाता। तो दूसरा मित्र कहता है भैया यदि तुम मेरे से छिपा नहीं रहे हो तो आप मुझे क्यों नहीं बुलाया पास में, आपने मुझे पास में क्यों नहीं बुलाया है। सामने वाला कहता भैया बुलाने जैसी कोई बात भी नहीं थी, मैं उसको पहचानता भी नहीं हूं, जानता भी नहीं हूं, पर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसने यदि कुछ भी कहा होता तो मैं जरूर आपको बताता। नहीं नहीं उसने जरूर कुछ कहा है, अब मुझे लग रहा है आपके अंदर मेरे प्रति कुछ मन में पाप पल रहा है, अब मैं अपनी दूरी बढ़ा लूंगा। धीरे धीरे मित्रता खत्म हो गई, दूरियां बढ़ गईं, ये होता है संशय का काम। पर संत कहते हैं यदि तुम धर्मात्मा होगे, सम्यक दृष्टि जीव होगे, तो तुम्हारे जीवन में संशय और संदेह और शंका को कोई स्थान नहीं होगा। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके हृदय में ये सब चीजें नहीं आती हैं, और जो सम्यक दृष्टि नहीं होता है वो इन चीजों पर जरा से भी विश्वास कर लेता है। मैं ऐसे एक परिवार को जानता हूं जो आपस में दो व्यक्ति बड़ी घनिष्ठता के साथ जीवन जी रहे थे, और यहां तक कि दोनों के संबंध भी अच्छे थे, एक दूसरे के समधी बन गए और समधी बन गए। लेकिन एक दिन की बात है, किसी बात को लेकर के एक दूसरे के अंदर तनातनी हो गई, वो जब तनातनी हुई तो दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई। वहां पर किसी संत का जाना हुआ और दोनों समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, दोनों समाज के अग्रणीय व्यक्ति थे, दोनों समाज के धर्मात्मा थे, दोनों इतना दान देते थे, जब भी कोई दान की बात आए तो सबसे पहले उनका नाम आगे आता था। पर दोनों के अंदर जब कोई गांठ बंधी, बैर हुआ, झगड़ा हुआ, झगड़ा बैर में बना, बैर की गांठ बन गई, 20 वर्ष निकल गए और उनके अंदर का ये मलिनता नहीं दूर हुई। जब किसी संत का वहां पहुंचना हुआ, किसी ने बताया कि महाराज श्री दोनों ऐसे श्रावक हैं, पूरी समाज के शान हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक यदि अध्यक्ष बनता है तो दूसरा रुक जाता है और दूसरा बनता है तो पहला रुक जाता है, ऐसी इनके साथ सामंजस्य था। पर 20 वर्षों से इनके आपस में इतनी कट्टरता बन गई है कि एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। उन संत ने, उन मुनिराज ने एक को बुलाया, जैसे ही उनसे चर्चा की कि मैंने सुना बस इतनी सी बात, महाराज श्री आपको क्या पता मेरी तो बेइज्जती करती पूरी समाज में। उसको समझा बुझा करके कहा ठीक है मैं उससे भी बात करता हूं, इसको नॉर्मल किया, समझाया कि देखो एक दिन की बुराई यदि होती है तो यदि लंबे समय तक चलती है तो एक कसाय यदि अनंतानुबंधी कसाय बन जाती है क्रोध को लेकर के, मान को लेकर के, माया को लेकर के, लोभ को लेकर के, तो अनंत संसार का विस्तार करती है कसाय। 20 वर्ष हो गए तो लोग कर क्या रहे हो, नरक की जाने की यात्रा कर रहे हो कि स्वर्ग जाना है,
धर्म करते हो, पूजा पाठ करते हो, जितना तुम विशुद्धि से धर्म ध्यान करते हो उससे ज्यादा तुम अपने हृदय में कसाय को रखे हो। क्या कर रहे हो अपने जीवन से, अनर्थ कर रहे हो। दूसरे व्यक्ति को भी बुलाया गया और उससे भी कहा कि देखो मैंने सुना है तुम्हारे उनसे कुछ संबंध बिगड़े हुए हैं। हाँ महाराज श्री, बहुत समय हो गया, मैं उसका नाम भी पसंद नहीं करता सुनने। भाई हुआ क्या है? बोले ऐसी ऐसी बात है, रात्रि का समय, ये मंगाया वो मंगाया, मैंने कह दी, हमारे बच्चों ने कह दिया, ऐसे है उनको चलो हटाओ। इतनी सी बात को लेकर के उन्होंने संबंध बिगाड़ लिए। मैंने तो कोशिश जारी रखी कि चलो किसी ना किसी तरह से आपस में संबंध बन जाए, एक दूसरे को क्षमा कर लें। मैं तो आज भी तैयार हूं उसको क्षमा करने को, पर वो मानता ही नहीं है। कितने लोग साधु लोग इधर आके चले गए पर उसने किसी की बात नहीं मानी। तो वो गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा वाली बात है, मैंने भी उसको समझाया है, आप भी समझ जाओ, दोनों मिलो मेरे सामने और अंदर की गांठ को खोलो। बिना गांठ खोले तुम निर्ग्रंथ नहीं बन पाओगे। जब तक तुम्हारी चड्डी में नारा में गठान लगी रहेगी तुम निर्ग्रंथ नहीं बन पाओगे। 20 वर्षों से तुमने एक कसाई की गांठ को बांध करके रखा है, क्या कर रहे हो? नरक निगोद की यात्रा जाने की तैयारी कर रहे हो। एक दूसरे को क्षमा करो, हृदय से मिलो। दूसरों को मिलाया, बुलाकर उनको समझाया, गले मिलाया। 10 से 15 मिनट दोनों गले मिलते हुए रोते रहे, उनका सारा हृदय से मैल निकल गया। और आज दोनों मिलकर के रहते समाज के उत्कृष्ट श्रापकों में आते हैं। दान देने में नंबर वन, काम करने में नंबर वन, अहंकार नहीं है। पर अहंकार का रंग जो चढ़ा के आप लोग रखे हो ना, थोड़ा जमुना नदी में जाकर के डुबकी लगा लो दो चार, तो उद्धार सबका हो जाए। राजा महाराजाओं को अहंकार नहीं रहा, क्रोध नहीं रहा, मान नहीं रहा, माया नहीं रही, लोभ नहीं रहा। हम हर वर्ष पूजन पाठ करते, उत्तम क्षमा की, मार्दव की, आर्दव की आदि आदि पूजन करते रहते हैं, पर जीवन में कितना हमारे जीवन में अंतरंग में परिवर्तन आया। वो दोनों मिल गए, आपस में ऐसे मिले, आज भी बड़े शान से रहते हैं। एक के बिना दूसरों का जीवन अधूरा है। दो शरीर होने के बाद आत्मा एक है, ऐसा हमें हृदय से मिलना चाहिए। धर्म हमारे जीवन का अंतरंग तत्व होना चाहिए। बंधुओं, आज उत्तम क्षमा का दिन है, क्षमा हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है, स्वभाव भी है। इस क्षमा को हम धारण करें। क्षमा को धारण करने वाला ही सबसे बड़ा क्षमार्थी प्रार्थी माना जाता है। सामने वाला क्षमा करे या ना करे, लेकिन हमें तो क्षमा करना है। यदि हमें अपने जीवन का उत्थान करना है, उत्कर्ष करना है, तो हमें हाथ जोड़ करके क्षमा को मांगना चाहिए। सामने वाला करे या ना करे उसकी खुशी उसकी मर्जी, पर मुझे अपने अंदर से हृदय से इस बात को गांठ को निकाल देना है कि जो हुआ हो गया, चलो इसको टालो। वो टालने में ही भला है, संचित करके संग्रह करके गांठ बांध कर रख करके भला नहीं है। 4 प्रकार की कसाएं होती हैं, अनंतानुबंधी कसाएं, वह कसाएं है जो क्रोध को लेकर के चलती है। उत्कृष्ट अवस्था में यदि हमने बांध लिया तो अनंत संसार का कारण बन जाती है। यदि 6 महीने से तुम 1 सेकंड भी ऊपर जाते हो तो तुम्हारा अनंतानुबंधी कसाय बन जाती है। अप्रत्याहरणी कसाय जो होती है 6 माह तक चलती है उत्कृष्ट रूप से। उसके पहले क्षमा याचना करके आपस में सामंजस्य बैठा करके कंप्रोमाइज करके अपने जीवन को सुलझा लो। यदि नहीं सुलझा है तो अप्रत्याख्यान वर्णी कसा कब अनंतानुबंधी बन जाए तुम्हें पता नहीं। 6 महीने का उसका उत्कृष्ट काल वासना काल होता है। प्रत्याख्यान वर्णी कसा 15 दिन तक चलती है। यदि 15 दिन तक तुम्हारा सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो समझ लो अप्रत्याख्यान वर्णी कसाय बन करके कब अनंतानुबंधी बन जाए। बैठे रहो, सिर हिलाते रहो, सामने वाले ने बोला है, क्यों बोला है, बोल दिया बोल दिया, नजर अंदाज करो। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी तो कभी कभार कुछ गलत बोल देते हैं, तो क्या तुम उनको अलग कर देते हो?
नहीं करते ना, तो किसी ने बोल भी दिया है तो उसको अलग करो, बात करो, आगे बढ़ो, जीवन को धर्म से जोड़ करके चलो, तो क्षमा धर्म की आराधना करना तुम्हारी सार्थक है, नहीं तो व्यर्थ है सारा का सारा। धर्म संगीतकार को बुलाया, पंडित साहब को बुलाया, और आप लोगों ने द्रव्य भी लगा रही हो, और हृदय में यदि क्षमा नहीं जुड़ी, सब करने के बाद भी सब ऐसा रहा जैसे एक हाथी सरोवर में जाता है, खूब डुबकी लगाता है, बैठ बैठ करके डूबता है निकलता है, डूबता है निकलता है, वो बाहर आकर के अपनी सूंड से ही धूल डाल लेता है। 10 दिन आए हैं, बड़ी मुश्किल से इस वर्ष भर हो गया है, और वर्ष के बाद अब 10 दिन का धर्म हमारे जीवन में चल रहा है। अब 10 दिन बाद क्या होगा, क्या होगा? जो हर वर्ष होगा वही होगा, वही व्यापार, वही कस्टमर, वही दुकान। अभी जाएंगे, ये तो क्षमा है तो क्षमा चलती रहेगी, दिन भर चलेगी, पर आज ये हमें तय करना है, ये क्षमा आज की ही ना बने, आज की ही ना रहे, हमें पूरी जिंदगी भर क्षमा को धारण करना है। प्रतिकार तुम्हारे पास होने, प्रतिकार की क्षमता होने के बावजूद भी किसी के अपशब्द को सहन कर लेना, यही सबसे बड़ा क्षमा धर्म है। क्षमता के बाद भी हम किसी को सहन कर रहे हैं, किसी गलती को सहन कर रहे हैं, तो समझ लेना सबसे अच्छी क्षमा, इससे अच्छी और कोई नहीं होती है। क्रोध से क्रोध का प्रतिकार करने वाले तो संसार में भरे पड़े हैं। कोई एक गाली देता है तुम 10 देने की हिम्मत रखते हो, कोई एक चांटा मारता तुम 2 चांटे मारने की ताकत रखते हो, इससे कोई तुम्हारी बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो तब मानी जाएगी जब तुम्हें एक मारे तुमका एक, कोई एक तुम्हें गाली दे, भैया 2 और दे जाओ, कल तुम्हें फिर आना पड़ेगा, इससे अच्छा है आज ही सब कुछ निपटा दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरहसागर गुरु भक्त परिवार। Oh, oh, oh.